हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2022। ये पेपर है आपका यहाँ पे माइनर का। इसका नाम है व्यावसायिक संगठन एवं संचार। ये 70 मार्क्स का होगा और पास होने के लिए आपको 25 मार्क्स लेके आने हैं। चलिए पेपर आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सोनम जैन और सबसे पहले देखते हैं इसका सेक्शन ए, जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर व्यावसायिक में शामिल है, जो आपका व्यवसाय है उसमें क्या शामिल है, व्यापार, उद्योग, आर्थिक सेवाएँ या उपरोक्त सभी। जो सही लगे आपको वो लगाना है। यहाँ पर एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वोत्तम है कथन है किसका है। यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से जो सही लगे आपको वो लगाना है। एक सूत्रधारी कंपनी वह है जिसके पास दूसरी कंपनी के अंशों की संख्या हो। कितनी संख्या हो, 50 से अधिक, 75 से अधिक, 25 से अधिक या 33.5 से अधिक। संदेश की प्रतिपुष्टि संभव नहीं है लिखित, मौखिक, मुखाकृति या मौन रूप में। WW का मतलब है, जो भी है वैसे सभी को पता है WW का मतलब क्या होता है, फिर भी यहाँ पे पूछा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर लेंगे। अब आ जाता है आपका सेक्शन बी, जो होता है 4x7 = 28 मार्क्स का पूरा सेक्शन है। चलिए यहाँ पे ओनली 4 जो क्वेश्चन है वो करना है, 200 वर्ड्स में इसके आंसर देने होंगे। उद्योग एवं वाणिज्य प्रक्रियाओं या क्रियाओं का वर्गीकरण कीजिए। एकाकी व्यापार के क्या लक्षण है, भारत जैसे विकासशील देश में इसकी क्या आर्थिक एवं सामाजिक उपयोगिता है, कंपनी के प्रकारों को समझाइए, संप्रेषण के उद्देश्य समझाइए, लिखित संप्रेषण क्या है, लिखित संप्रेषण को प्रभावी बनाने वाले तत्वों को समझाइए। अब आ जाता है आपका सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन जो 16 मार्क्स और 32 मार्क्स का पूरा सेक्शन है। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। और बाकी के पेपर भी मैंने आप लोगों को अपलोड किए हुए हैं, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के जो 2022 के पेपर हुए, चाहे बीकॉम के हैं, बीए के हैं या बीएससी के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना है, सभी के पेपर जो है वो अवेलेबल है। तो आप जो है यहाँ पर वो पेपर जो है देख सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है आपकी नई शिक्षा नीति के तहत, तो आप वो भी जो है हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर व्यवसाय के सामाजिक दायित्व से क्या आशय है, व्यवसाय के सामाजिक दायित्व के महत्व को समझाइए, साझेदारी की परिभाषा दीजिए तथा इसके लक्षण, गुण एवं दोष को समझाइए, सार्वजनिक उपक्रमों से आप क्या समझते हैं, भारत के संदर्भ में इसके महत्व को समझाइए, संप्रेषण की बाधाओं को समझाइए, इन बाधाओं को दूर करने के उपाय दीजिए, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व बताइए तथा अच्छी प्रतिवेदन के गुणों पर प्रकाश डालिए। और गाइस जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे जो आपके एग्जामिनेशन पेपर है वो व्हाट्सअप करना ना भूले, ताकि आपके जैसे हेल्प हो रही है और स्टूडेंट की भी हेल्प हो पाए। साथ ही साथ में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट्सअप करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।